देश में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी सुहागिन औरतें आज चौथ माता और माँ गौरी से निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रही हैं। करवा चौथ में औरतें 16 श्रृंगार करके चांद को अर्घ देती हैं और चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपी में एक ऐसी जगह भी है जहाँ ना तो औरतें करवा चौथ का व्रत रखती हैं और ना ही 16 श्रृंगार करती हैं। इसके साथ ही यहाँ की औरतें करवा चौथ के बाद आने वाला त्योहार अहोई अष्टमी भी नहीं करती। दरअसल इस गांव के लोगों का मानना है कि एक सती के श्राप के कारण ना ही यहाँ करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है और ना ही अहोई अष्टमी। तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। कहा जाता है कि नौ झील के गाँव रामनगला में एक ब्राह्मण युवक अपनी नवविवाहिता पत्नी की यमुना पार कर अपने ससुराल से विदा करवा कर भैंसा बग्घी से लौट रहा था। रास्ते में सुरीत के मोहल्ला वघा के कुछ ठाकुर समाज के लोगों के साथ बग्घी के भैंसे को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद ठाकुर समाज के लोगों और युवक में मारपीट हो गई और मोहल्ले के लोगों ने ब्राह्मण युवक की हत्या कर दी। अपने पति के दुख में उसकी नवविवाहिता पत्नी भी सती हो गई, लेकिन सती होने से पहले उसने मोहल्ले के लोगों को श्राप दिया था, जिसके बाद मोहल्ले में जवान लोगों की मौत होने लगी, जिसके बाद लोगों ने इसे सती का श्राप मानते हुए किए हुए अपराध की माफी मांगी और सती का मंदिर मोहल्ले में बनवा कर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सती माता का क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन इसके बाद मोहल्ले में किसी को भी करवा चौथ और अहोई अष्टमी रखने की मनाही हो गई। इस मोहल्ले की औरतें ना ही करवा चौथ का त्योहार रखती हैं और ना ही इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा करने से वापस से सती क्रोधित न हो जाए। आपको बता दें कि सती की पूजा सभी जाति के लोग शादी विवाह पर करते हैं और मत्था भी टेकते हैं। वहीं सैकड़ों साल के बाद भी आज भी रामनगला के ब्राह्मण इस मोहल्ले में खाना खाना तो दूर, मोहल्ले का पानी भी नहीं पीते हैं।